हाय फ्रेंड्स, मैं हंसराज और आज मैं स्विफ्ट डिजायर पेट्रोल को डायग्नोस करने वाला हूँ, क्योंकि इसके अंदर एक मालफंक्शन चेक इंजन की लाइट आ रही है। देख सकते हो आप, गाड़ी स्टार्ट है और ये चेक इंजन की इसमें लाइट आ रही है, जो कि स्टार्ट होने के बाद ये भी इग्निशन ऑन है। मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। ये चेक इंजन की लाइट अभी तक गई नहीं। ये चेक इंजन की लाइट गाड़ी स्टार्ट होते चले जानी चाहिए। इंजन में शायद कोई प्रॉब्लम है, कोई सेंसर में फॉल्ट, कुछ वायरिंग प्रॉब्लम, उस कारण ये माल फंक्शन की बत्ती इंजन शो कर रहा है। तो मैं इसको डायग्नोस करता हूँ क्या प्रॉब्लम निकलती है इसके अंदर। ये मैंने स्कैनर कनेक्ट कर लिया है, ये हमारे पास स्कैनर है बोस का, मारुति। स्विफ्ट डिजायर BS4। रीड कोड कि क्रेमसाफ्ट ए टाइमिंग क्रेन। कुछ टाइमिंग का इशू है गाड़ी के अंदर, तो मैं इसको इरेज करके देखता हूँ इरेज होता है या नहीं। फिर से इसको देखता हूँ एक सेकंड। ये लो, ये इरेज हो गया, या कोई सेंसर हटा दिया था किसी ने, तो इस कारण ने माल फंक्शन की बत्ती आ गई थी। दोबारा से करते हैं हम। अब देखो फ्रेंड्स, गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं कि लाइट गई या नहीं गई। लो फ्रेंड्स, माल फंक्शन की बत्ती रिमूव हो चुकी है। गाड़ी में इस टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार दोबारा से स्कैन करके देख लेते हैं हम। ये रीड कोड, नो कोड फाउंड। ओके फ्रेंड्स।